मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पहली मरतबा तो ये है कि पहली बार के उलमा मुफ्ती हजरत मौलाना हजरत और उनके बाद मास्टर जो तबलीग में जुड़े हुए हैं, ये दो हजरत दहेज को नहीं रुकने देते। ये मतलब गाड़ी भी ऐसे लेते हैं कि मांग के ये गाड़ी चाहिए, और उलमा हजरत ये कहते हैं कि ये गाड़ी तो हमारे पास है, ये तो हमारे बच्चों ने चला रखी है, इससे ऊंची वाली दो। और सगाई होगी इनके पड़ोस में हुई है इतने के, तो 50 की, तो आप इसे 51,000 या 1,51,000 की सगाई करो। अभी एक शादी होने वाली है मालव गांव में भी, वहाँ भी अभी देखो अब तक क्या मिलेगा उस शादी में। 51,000 से तो उसने अपने पोते की सगाई की थी। अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मास्टर हजरत और उलमा हजरत ये रुकें, पहले ये अपने उस पर लगाम लगाएं दहेज को पर, जब गरीब आदमी का वो हो सकता है। अब गरीब आदमी को शादी करनी बहुत मुश्किल पड़ी हुई है, पहले जब ये नहीं रुक रहे तो अब गरीब आदमी ये सोचता कि मैं कहाँ से तो बाइक दूंगा, कहाँ से क्या दूंगा। तो ये मेरी वो है कि ये हजरात रुकें, किसी भी तरह से रुकें। अच्छा, आपने अभी कहा कि कुछ मौलाना साहब जो है और उलेमा और जो मास्टर हैं ये दहेज से नहीं रुक रहे हैं, खुद नहीं रुक रहे हैं, ये लोग दूसरों के लिए तो नसीहत देते हैं, ऐसा क्यों है? दूसरों के लिए तो कहते हैं कि दहेज लेना अच्छा नहीं है, देना अच्छा नहीं है, और खुद ये स्वयं दहेज लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ये अपना मफाद हासिल करते हैं, और दूसरी बात ये है कि ये चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो तो सही और जो कर रहे हैं वो गलत, ये दहेज ले ले जब भी कोई बात नहीं है, और गरीब आदमी अगर ले तो नो तुम ऐसा मत करो, सुन्नत तरीक़े पर कर लो। अरे तुम ही क्यों नहीं करते सुन्नत तरीक़े पर? भाई तबलीग में तुम जा रहे हो, उलमा हजरात दर्श दे रहे हैं, फिर तुम ही क्यों नहीं सुन्नत का पालन कर रहे हो? सुन्नत का पालन तुम खुद तो करो पहले, बाद में किसी और को रोक लगाना। मेरी यही है कि जितने भी हो सकता है इसको पहुँचाओ, और मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ भी किसी उलमा हजरात ने, मास्टर हजरात ने गाड़ी ली, किसी शादी में कहीं मिले और मुझे पता चला, मैं आप तक ज़रूर पहुँचूँगा।